Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on inverse Laplace transform. So chaliye discuss karte hain. Pehla question ye hai, find the inverse Laplace transform of 1 upon s minus a ka power whole cube. To aise questions mein hum kya karenge, hume batana hai Laplace inverse of 1 upon s माइनस ए का होल क्यूब ऐसा. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी बड़ा होगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ के लिए. हम कुछ थ्योरम भी सोच सकते हैं. तो सारी चीज़ें लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये हो सकता है. एक चीज़ हमें पता है, यहाँ जो दिख रहा है कि 1 upon s minus a, ये होता है e to the power at. लाप्लास इन्वर्स ऑफ, मतलब सिंगल पावर हो तो ये e to the power at होता है. और पावर बढ़ाने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था जो डेरिवेटिव्स वाला था, वो बड़ा काम का था, जो था एल इन्वर्स एक तरह से fn to the power s = ये होता है -1 to the power n t to the power n और f ऑफ टी. याद है, ये एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड देन एल इनवर्स या इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ टू द पावर एन एस इक्वल टू -1 to the power n t to the power n एफ ऑफ टी, ये यहाँ यूज हो जाएगा. अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका पावर ऊपर जाएगा, फिर -1 upon square बनता है ना. जैसे हम सिंपली अगर हम d बाई डी एस 1 upon s करेंगे तो क्या आएगा, एक तरीके से -1 upon s square. तो s का पावर यहाँ से बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से अगर इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हमें दिख रहा है कि कुछ टर्म्स इसके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं स्क्वायर. तो उसी तरीके से एक बार और कर देंगे तो 3 आ जाएगा. तो ये फार्मूला यहाँ लग जाएगा, फार्मूला कहिए या थ्योरम कहिए, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं कैसे होगा. सो ये हमें पता है, चूँकि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus a = e to the power at. सो एल इनवर्स, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे n है, n मीन्स nth डेरिवेटिव्स. सो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ s, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d by ds एफ ऑफ एस. और यहाँ पे एफ ऑफ एस क्या है, ये हमारा एफ ऑफ टी जैसा है जो यहाँ पे होगा. और ये वाला जो टर्म है वो क्या है, वो एक तरह से एफ ऑफ एस है. तो उसी को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एस एफ ऑफ एस मीन्स 1 upon s minus a. ठीक है, तो थ्योरम के हिसाब से ये इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में होगा -1 to the power n के जगह हमने 1 लिया है तो 1 हो जाएगा t. और f ऑफ t क्या है यहाँ पे, e to the power at. क्लियर, ये सिंपली ये तीनों टर्म तो एक ही चीज़ है, यही इक्वल में हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे -1 to the power 1 t to the power 1 और e to the power at, ये है हमारा ft. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास इनवर्स ये हो जाएगा -1 upon s minus a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -t और e to the power at. क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. सिंपली ये -1 upon s square हो जाएगा, s minus a का स्क्वायर. उसी तरीके से अगर हम एक बार और डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, एल इनवर्स डी बाई डी एस किसका, एस पूरे टर्म का, -1 upon s minus a का, या तो चाहे तो माइनस उधर कर लें तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा दिस टर्म. तो डी बाई डी एस ऑफ 1 upon s minus a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली, फिर से ये हमारा यहाँ पे क्या है,
अब ये चीज़ हमारा एफ एस जैसा है जैसा हमने शुरू में इस्तेमाल किया था इसको एफ एस। अब यहाँ पे ये टोटल एफ एस और ये हो गया एफ टी, क्लियर। लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी। तो अब ये यहाँ पे एफ टी है और ये क्या है, ये हमारा सिंपली एफ ऑफ एस है। तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इक्वल टू क्या होगा, वहीं से माइनस वन टू द पावर वन, क्लियर, टी टू द पावर वन। और एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, टी और ई टू द पावर ई टी, क्लियर। यहाँ पे एफ टी ये है, यहाँ से हमें मिल गया माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर ए टी, क्लियर होगा ये। बस थोड़ा सा चीज़ों को समझते चलिए, काफ़ी आसान है ये एफ ऑफ एस और ये एफ ऑफ टी। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, लाप्लास इनवर्स ये ऊपर जाएगा माइनस टू एस माइनस ए का पावर होल क्यूब। इधर तो हमें मिल गया है माइनस टी स्क्वायर ए टू द पावर ए टी। हमें क्या बताना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए का पावर होल क्यूब। तो लाप्लास इनवर्स सब कुछ यहाँ मिल चुका है, माइनस टू को हमें सिर्फ इधर ट्रांसफ़र करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन में टू हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको यहाँ से हटाएंगे माइनस टू को और यहाँ पे लिख लेंगे वन और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और अपॉन में टू। सो लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए का होल क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू ई टू द पावर ए टी। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो टी स्क्वायर बाई टू ई टू द पावर ए टी, ये है आंसर। तो कुछ खास नहीं था, बस इतने समझना पड़ेगा कि हमें किस रास्ते जाना है, कहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा, ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो हम काफ़ी इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन लगा चुके हैं, अगर आप उसके अलावा भी कुछ और बुक्स लगा लेंगे तो ये लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। तो एक पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता है जो इस तरह का होता है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे हम ऐसा ही लिखेंगे वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। सो यहाँ हमें फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन। इसको पहले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे कोई थ्योरम अप्लाई होता नहीं दिखेगा। तो अच्छा यही है कि पहले हम इसको पार्शियली फ्रैक्शन के थ्रू अलग कर लें, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या यूज हो सकता है। तो कंसिडर करेंगे सबसे पहले इस टर्म को एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो इसको हम जब पार्शियली निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं ए अपॉन एस प्लस वन, और यहाँ चूँकि स्क्वायर टर्म है तो यहाँ पे दो टर्म आ जाएंगे बी एस प्लस सी। तो बी और सी दोनों हमें निकालना होगा और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन। ये आएगा ए एस स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एस प्लस एक तरह से बी एस प्लस सी और यहाँ हो जाएगा एस प्लस वन, यहाँ पे वन। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे, अगर हम पुट करें एस इक्वल टू माइनस वन तो ये टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो वन इक्वल टू ए माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन और प्लस वन, एक तरह से ये आ जाएगा टू ए इक्वल टू वन, यानी ए हमें मिल गया वन बाई टू, ठीक है। ये इंटर का है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे पुट करके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इक्वेशन वन को। सो फ्रॉम वन वन इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी एस प्लस सी, ठीक है। इसको एक साथ लिखते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा एस स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे S कॉमन हो जाएगा B प्लस सी और लास्ट हो जाएगा A प्लस सी।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से कोफिशियंट को कंपेयर करते हैं। तो एस स्क्वायर का कोफिशियंट कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी ज़ीरो, यानी जो बी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस ए के। और एक चीज़ और यहाँ पे है, ए प्लस सी इक्वल टू वन, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सी जो होगा वो वन माइनस ए होगा। तो बी माइनस ए मीन्स ये हो जाएगा माइनस हाफ, और अगर सी को वन में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, सो वन माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई, ये है बी की वैल्यू, ये है ए की वैल्यू, और यहाँ पे ये है सी की वैल्यू। तो इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए अपॉन एस प्लस वन, यानी हाफ एस प्लस वन, एंड देन प्लस बी का मान कितना है, बी है हमारा माइनस हाफ। तो इसको हम हटाते हैं पहले, हम यहाँ लिखते हैं नीचे, सो ए हो जाएगा हाफ एस प्लस वन, और बी है माइनस हाफ, हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस हाफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो हम अलग करते हुए इसको हम सेपरेट भी कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू प्लस हाफ है, तो यहाँ होगा प्लस हाफ और वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। क्लियर, बी की वैल्यू ये है माइनस हाफ और ये है सी की वैल्यू हाफ। ठीक है, तो अब ये काफ़ी आसान हो जाएगा, ये हमें वैल्यू मिल गई एस प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस वन का। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इन्वर्स ले लेंगे, सो लाप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस वन। तो कुछ नहीं है, खाली हर टर्म में हम लाप्लास ले लेंगे, तो ये किसी न किसी चीज़ का इन्वर्स है और आराम से आंसर हमें मिल जाएगा। सो हाफ एल इन्वर्स वन अपॉन एस प्लस वन माइनस हाफ एल इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस हाफ एल इन्वर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो ये हो जाएगा हाफ ई टू द पावर माइनस टी, यहाँ प्लस है तो माइनस हाफ, ये है हमारा कॉस टी प्लस हाफ साइन टी। क्लियर, तो ये है आंसर। देख लीजिए एक बार, तो चाहे तो हर टर्म में से हाफ निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ई पावर माइनस टी माइनस कॉस टी प्लस साइन टी, ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही सेम है, चाहे हम यहाँ रोक लें चाहे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक कन्वोल्यूशन थ्योरम और हैवीसाइड थ्योरम्स भी आते हैं इसमें, तो इन्हें हम देखते हैं अगर डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर पहले एप्लीकेशंस कर लेंगे फिर उस टर्म्स को कर लेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।